सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा सा छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर को अपन एलजेब्रा में काउंट करते हैं, ठीक है। बेसिकली आपके मैथमेटिक्स जो है वो एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और 3D वेक्टर, ये चार हिस्सों में डिवाइडेड है। तो एलजेब्रा जो है, एक और हिस्सा होता है, मैं बोल रहा हूँ कुछ, एलजेब्रा जो है उसमें बेसिकली नंबर से रिलेटेड वाली चीजें आपसे पूछी जाती है ना। जैसे कि या तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो अपन ने पढ़ा था वो भी अलजेब्रा का पार्ट था। दिस चैप्टर इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं बोल पा रहा था मैं, थैंक्स। ज्योमेट्री नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कार्टेशियन प्लेन वाला, एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाला है ना, सबसे इंटरेस्टिंग, मजा आ जाता है वो पढ़ने में, वो भी पढ़ेंगे अपन। ओके, बट ज्योमेट्री नहीं आएगी, वो सब नहीं बोला जाएगा आपको आईआईटी में कि आप कोन का सरफेस एरिया निकाल लीजिए, कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए, वॉल्यूम निकाल लो, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे कुछ नेक्स्ट लेवल करके पूछा जाएगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में वो सब आ ही जाता है वैसे, इंटीग्रेशन में नहीं डिफरेंशिएशन में आ ही जाता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स थोड़ा बहुत, तो उसका बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए हमको। कमिंग बैक टू द टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा सबसे पहली बात तो सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है एंड प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे कि कुछ कुछ लोग इसको सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं, कुछ लोग इसे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस कहते हैं, है ना। तो इनमें फर्क क्या होता है हम वो चीज देखते हैं। चलिए तो अपन ने क्लास 10th में कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी, आप लोग टाइप करके आंसर्स बताना, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपसे। अगर मैं आपके सामने एक सीरीज लिख देता हूँ 1 4 7 10, तो क्या आप नेक्स्ट टर्म बता पाओगे, लेट्स सी। डेफिनेटली प्लस 3 होते जा रहा है ना, यहाँ पे आपने 3 जोड़ दिया, यहाँ पे आपने 3 जोड़ दिया, इधर आपने फिर से 3 ऐड कर दिया, क्योंकि 1 पे 3 ऐड करोगे 4 आएगा, 4 पे 3 ऐड करोगे 7 आएगा, 7 पे 3 ऐड करोगे 10 आएगा, डेफिनेटली 10 पे 3 ऐड करोगे 13 आएगा। इसको अपन एपी कहते हैं, है ना। कैलकुलस 12th में सीखेंगे ना, अभी टेंशन मत लो। अच्छा ये वाला जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ इसका बताइए मुझे आंसर, अगर आपके सामने एक ऐसी सीक्वेंस लिखी हुई है। ये सीरीज है, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि 1 4 16 64, ये वाला टर्म क्या आएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, है ना, सोच के बताइए। या तो फिर मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि चलिए 2 5 17, 2 5 10 17, यहां पर क्या आएगा। ये वाला सेकंड वाला बताइए जल्दी से, सेकंड वाला क्या आएगा, 13 तो सबने बता दिया ऊपर वाला, है ना, गुड, बहुत ही बढ़िया। सेकंड वाला क्या आएगा और फिर थर्ड वाला क्या आएगा, फिर अपन इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे ना। ब्रेक करना मतलब समझते हो, मैं आपको एकदम टुकड़ों में एकदम धीरे धीरे प्यार से समझाऊंगा कि व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज सीरीज एंड व्हाट इज प्रोग्रेशन, सब चीजें एकदम एकदम मक्खन की तरह आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। एक्चुअल में इसका आंसर 256 आएगा, क्यों 256 इसलिए आएगा क्योंकि आप बेसिकली अभी ऐड नहीं कर रहे, यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग 4, 1 में 4 मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया, फिर आप 4 पे 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ रहा है, ये आपको खुद से ऑब्जर्व करना है, खुद से दिखना चाहिए आपको। फिर आप 16 पर भी 4 मल्टीप्लाई कर रहे तो 64 आ रहा है, और 64 पर 4 मल्टीप्लाई करने पर 256 आ रहा है ना, ऐसे करके। हाँ जी लास्ट वाला, लास्ट वाले का आंसर दीजिए आप, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो लगभग सभी का आंसर सही था, भक्ति धनंजय सागर ने तो अगला वाला भी दे दिया है, विवेक सोहम अमर लावण्य तेजस अद्वैत, ओके। तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा, कैसे, क्योंकि अपने को यहाँ पे दिख गया है कि ये क्या है। इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या बोल सकते हैं, 2 के स्क्वायर में आपने 1 जोड़ दिया, इसको क्या बोलोगे, 3 के स्क्वायर में आपने 1 जोड़ दिया, फिर 4 के स्क्वायर में आपने 1 जोड़ दिया, है ना, ऑब्जर्व करो।
9 प्लस 1 10, 16 प्लस 1 17, तो ये डेफिनेटली क्या आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, है ना। तो ये कैसे आपने पता करा, कोई गणित लगाई आपने इसमें, मैथमेटिक्स लगाई, हाँ थोड़ी बहुत, है ना, आपने पता करा कि हाँ पैटर्न क्या चल रहा है। अब इसमें से सीक्वेंस क्या है, इसमें से सीक्वेंस क्या है और प्रोग्रेशन क्या है, ये अपने को पता करना है अभी, ठीक है। थर्ड में फॉर्ड नंबर से 26 आएगा, है ना, ऑड इवन को कोई लफड़ा नहीं है, अद्वैत अमर लावण्य भक्ति विवेक, आप सब के आंसर सही है, ओके ठीक है। क्या ओके चलो अब थोड़ी सी अपन है ना, ये तो अपन ने देख लिया क्या अपना ब्रेन चलता है कि नहीं चलता, अपन ने वो चेक कर लिया, दिमाग चल रहा है ना, अच्छे से चल रहा है। अब अपन लिखते हैं सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस, लिखे सीक्वेंस क्या होता है भाई सीक्वेंस, पहले अपन परिभाषा लिख लेते हैं फिर इसके एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। लिखे इट इज सेट ऑफ, सेट बोल सकते हैं या लिस्ट भी बोल सकते हो, सेट और लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू, अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रूल और पैटर्न, ठीक है। एक तरीका बताता हूं मैं, लिखे यहां पे यू डोंट नीड, ऐसा लिखे यू नीड नॉट, नीड नॉट, नीड नॉट ज्यादा मजा नहीं आया, यू डोंट नीड मैथमेटिकल ब्रेन टू क्रैक इट, समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में गणित की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जैसे है ना, फॉर एग्जाम्पल्स सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया कि सेट, ये क्या है, सेट और लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रूल और पैटर्न, ठीक है। एक छोटा सा आपको रूल दे दिया जाएगा और आपको वो पैटर्न या रूल पकड़ना है और आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, आपको ज्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गणित समझते ना आप, मैथमेटिक्स, तो आपको मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपको मैं अगर एग्जाम्पल नंबर वन देता हूँ और उसमें मैं आपके सामने लिख देता हूँ 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, तो ये वाला नंबर तो आपके घर की कामवाली बाई भी बता देगी, है ना, क्या होता है ये 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, समझो, क्यों, क्योंकि आपको एक पैटर्न दिख गया। क्या इसके पीछे कोई मैथ्स लगी, ना ना मैथ नहीं लगी इसके पीछे कुछ भी, बस आपको दिख गया कि हाँ पहले आपने 1 लिखा, फिर आपने 1, 2 लिखा, फिर आपने 1, 2, 3, आपने कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव डिजिट से एक नंबर बना दिया, फाइन, ओके। तो थोड़ा सा ये, इस चीज को अपन क्या कहते हैं, दिस इज अ सीक्वेंस। तो एकदम सिंपल भाषा में बताऊंगा तो आपको गणित लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गणित लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीक्वेंस को आसानी से क्रैक कर सकते हो। एक और देता हूं मैं आपको, मान लीजिए मतलब गणित आपको बहुत ही मिनिमम लगाने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको मैं देता हूं 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, हाँ भाई ये वाला आंसर अगर आप मुझे बता पाएंगे तो मुझे काफी खुशी होगी, ट्राई करो। और एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ओके टू बी इंटीग्रेटेड, नाइन्थ के फाउंडेशन में था, ओके हाँ नाइन्थ के फाउंडेशन में अपन ने पढ़ा होगा, मतलब उस समय
नाइन्थ की बात है? नहीं, मैंने आपको लोगों को टेंथ में पढ़ाया था, बट नाइन्थ में होता ही है ना, आई रिमेम्बर। बताइए भाई मुझे, ये जो सेकंड नंबर पे सीरीज लिखी ना, इसको अपन क्या कहते हैं? फिबोनाची सीरीज। एक्चुअल में होता क्या है ना कि आप टू सक्सेसिव टर्म्स को जब ऐड करते हो, जैसे वन और वन को आपने ऐड किया, तब आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा टू। जस्ट लाइक दैट, अगर आप वन और टू को ऐड करोगे तो यू विल गेट थ्री, फिर आप टू और थ्री को ऐड करोगे तो यू विल गेट फाइव, एंड देन थ्री और फाइव को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा एट। ठीक है, फाइव और एट को अगर अपन ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? थर्टीन। तो दिस इज फिबोनाची सीरीज। तो बेसिकली ये वाला टर्म कितना आ जाएगा? थर्टीन प्लस ट्वेंटी वन। थर्टीन प्लस ट्वेंटी वन कितना हो जाएगा? थर्टी फोर। सही, गुड, बहुत बढ़िया। तो ये 34 आएगा, इसको अपन लिख लेते हैं ना, फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीक्वेंस, माफ करना, सीरीज नहीं कहेंगे ना, सीक्वेंस कहेंगे, फिबोनाची सीक्वेंस। आप सीक्वेंस इसलिए कह पा रहे हो ना क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर रूल डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मतलब पर्टिकुलर मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बना पाओगे इसमें आप। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। आपको बस पैटर्न पकड़ना है, आपका आंसर आ जाएगा। सही है, यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो है क्या लिखा है, टू थ्री फाइव, तुरंत समझ में आ गया ना, टू थ्री फाइव सेवन इलेवन, क्या है, दे आर ऑल प्राइम नंबर्स। तो अगला प्राइम नंबर क्या आएगा? 17 आ जाना चाहिए। सही, नेक्स्ट प्राइम नंबर शुड बी 17। तो ये सारी जो चीज थी, दिस वाज सीक्वेंस सीक्वेंस सीक्वेंस, ये सब कुछ जो लिखा था वो आपके सामने क्या था? सीक्वेंस था। क्लियर, गुड। गोल्डन रेशियो, ओके, दिस इज समथिंग दैट आई माइट नॉट हैव हर्ड बिफोर। ठीक है, एक फिबोनाची सीक्वेंस पर एक सॉन्ग बना हुआ है, एक्चुअली एक बैंड है, दे आर एक्चुअली मैथमेटिकल बेस्ड है ना, उस बैंड का नाम है टूल, बहुत फेमस है। तो उनका एक सॉन्ग है, उनको सॉन्ग का नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो फिबोनाची सीक्वेंस पर बना हुआ है वो सॉन्ग। मतलब उसकी जो बीट्स है, दैट इज 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 5 ऐसे करके ना। तो वो मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो सीक्वेंस तो अपने को समझ में आ गया, अब अगली चीज अपने को क्या समझना है? अगली चीज अपने को समझना है, एक मिनट, लिखिए बेटा, प्रोग्रेशन। वो सॉन्ग याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कभी। प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? कि यहां पे मैथमेटिकल रूल लग रहा होगा, है ना, यहां पर भी जो सीक्वेंस होता है, सिंपल क्या, सीक्वेंस में स्पेसिफिक रूल लगता है, पैटर्न लगता है, नीड नॉट बी मैथमेटिकल, जरूरी नहीं है कि मैथमेटिकल होगा। ठीक है, और प्रोग्रेशन में क्या होता है, जरूरी है कि आपको मैथमेटिकल रूल दिया जाएगा। जैसे कि ये दे दिया आपको अगर कि प्रोग्रेशन, पहले इसकी परिभाषा लिख लेते ना, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन इज लिस्ट और सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट, अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट मैथमेटिकल रूल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसके, लिखिए एग्जाम्पल। जैसे कि आपके सामने अगर मैंने ये दे दिया एग्जाम्पल, सिंपल लेते हैं ना, 1 3 5 7 9 11, तो आपको अगला टर्म बताने के लिए, अगला टर्म बताने के लिए एक्चुअल में ये क्या था, ये तो प्राइम नंबर्स थे सारे, तो इसमें कुछ आपको ऐड करना या जोड़ना या कुछ भी मैथमेटिकल रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, जैसे कुछ लोग डिबेट करते हैं कि फिबोनाची में भी कोई मैथमेटिकल रूल लग रहा है क्योंकि एडिशन हो रहा है ना, हाँ, तो एक्चुअल में वो जो मैथमेटिकल रूल होता है वो डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट मैथमेटिकल रूल मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप उसका है ना nth टर्म लिख पाओ, जैसे इसका nth टर्म मैं आराम से लिख दूंगा, tn इसका मैं कैसे लिख दूंगा, 2n-1, दिस इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ ऑड नंबर, ये सारे ऑड नंबर्स हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे आप n की जगह क्या डाल दो, n की जगह डाल दो 1 2 3 डैश डैश डैश। तो मैंने क्या करा है, एक स्पेसिफिक डेफिनेट मैथमेटिकल रूल बना दिया कि आप n की जगह 1 डालो तो आपको 1 मिल जाएगा, n की जगह 2 डालो तो 2 2 4 4 माइनस 1 3 3 मिल जाएगा, n की जगह 3 डालो तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 3 6 6 माइनस 1 5। हाँ, तो एक्चुअल में ये जो है दिस इज मैथमेटिकल रूल एंड इट इज अ डेफिनेट डेफिनेट मैथमेटिकल रूल। यहाँ पे आप कोई डेफिनेट मैथमेटिकल रूल नहीं बना सकते, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो कि हाँ यार दो दो टर्म्स को ऐड कर दिया अगला टर्म आ गया, फिर दो टर्म को ऐड कर दिया अगला टर्म आ गया। यू कैन नॉट एक्चुअली क्रिएट अ एनएच टर्म, है ना। और जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं ना, एक और एग्जाम्पल इसमें अगर अपन लेंगे तो मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 2 4 8 16 32 64 128 लाइक दैट। तो आप अगला नंबर क्या मुझे बता पाएंगे, जैसे इसका अगला नंबर क्या हो जाता बच्चों, 13 हो जाता। बिकॉज आप या तो इसको मैथमेटिकल रूल बना के इसका एनएच टर्म लिख दोगे, या तो आप क्या कर दोगे कि इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि अपन ने क्लास 10th में पढ़ा है, ये तो अपने को आता ही है कि हाँ ये एपी लिखा हुआ है, तो एपी के रूल से भी अपन देखो कर सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 2, तो दिस थिंग विल बिकम 1 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 1, तो ये जो ए एन आया 2n माइनस 1 दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई रोट हेयर, क्योंकि वो वहीं से निकाल के लाया हूँ मैं, है ना। तो 2n माइनस 1 जो रूल बना है वो कहाँ से बना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो आपने यहाँ पे क्या करा, एक nth टर्म डिफाइन करके बता दिया कि हाँ n की जगह आप कुछ भी डालो तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आराम से मिलते चले जाएंगे। n की जगह 1 डालने पे पहला टर्म, 2 डालने पे दूसरा टर्म, 3 डालने पे तीसरा टर्म। यहाँ पे भी अगर अपन देखेंगे tn, यहाँ पे अगर मैं लिख सकता हूँ देखिए क्या लिखा, 2, फिर यहाँ पे 2 स्क्वायर लिखा, यहाँ पे 2 क्यूब लिखा, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5 है। तो बेसिकली फिफ्थ टर्म क्या है, 2 की पावर 5, सिक्स टर्म क्या है, 2 की पावर 6, तो nth टर्म क्या होगा, 2 की पावर n। n की जगह 1 डालो पहला टर्म, n की जगह 2 डालो दूसरा टर्म, n की जगह 3 डालो तीसरा टर्म। तो यहाँ पे अपन ने एक मैथमेटिकल रूल लगाया विच वॉज डेफिनेट, विच वॉज डेफिनेट कि हाँ डिफाइंड है कि हाँ यार आपने n की जगह डाला कुछ तो आपको नंबर मिल जाएगा। फिबोनाची में वो चीज अपन नहीं कर पा रहे थे, गेटिंग द पॉइंट। तो सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन में बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है जो आपसे कभी कोई पूछेगा नहीं, बट बाय चांस अगर आपसे कोई पूछ लेता तो यू शुड नो इट। मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूँ। होता क्या है, सीक्वेंस में आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज़्यादा मैथ्स लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस हल्का सा पैटर्न पकड़ना आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसमें भी मैथमेटिकल रूल नहीं होते, कोई एक स्पेसिफिक रूल होता है, एक पैटर्न होता है, ठीक है। और प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक डेफिनेट मैथमेटिकल रूल होता है कि आप nth टर्म जो है वो डिफाइन करके सारा सारे नंबर्स जो है वो बता सकते हो। समझ में आ रहा है आपको, तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में हल्का सा फर्क है मैथ्स का, ठीक है। अच्छा सीरीज एक बार लिख लेते हैं अपन। अब सीरीज क्या होता है यार, ये तीसरी चीज क्या है, दो चीज तो सर हमने समझ ली, सीरीज अब एकदम ये टोटली डिफरेंट है ऊपर वाली से ना। सीरीज मतलब आपने क्या कर दिया कि सुनो मेरी बात हिंदी में समझा देता हूँ, आपने कोई भी सीक्वेंस था या कोई भी प्रोग्रेशन था उसके नंबर ऑफ टर्म्स को अगर आपने गधों की तरह जोड़ दिया, ऐड कर दिया, जैसे 1 3 5 को अगर आपने ऐसे लिख दिया 1 प्लस 3 प्लस 5, नाउ इट बिकम्स अ सीरीज। इफ यू ऐड द टर्म्स इट बिकम्स अ सीरीज। कौन सी टर्म्स, या तो प्रोग्रेशन की टर्म्स को आप ऐड कर दो, या तो आप सीक्वेंस की कोई भी सीक्वेंस उठा लो, ये प्राइम नंबर उठाया ऐड कर दिया, अगर आपने ऐड कर दिया तो वो सीरीज बन गई, खत्म। इससे ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, चलो इसको लिख लेते हैं, लिखो सीरीज इज अ सम, इज द सम ऑफ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन अप टू सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, अप टू सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, लिखे एग्जाम्पल्स, जैसे कि पहला एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिख दूं, 2 2 2 2 22 2 122, ये क्या है। अच्छा बताइए, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है इज इट अ सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन, सीक्वेंस है, सीक्वेंस है ना, क्योंकि आपने क्या करा है इसमें, आपने इसमें एक टू और जोड़ देना आपको अगला टर्म मिल जाएगा 2 2 2, है ना। तो ये सीक्वेंस है, अगर आपने इन सबको जोड़ दिया, इफ यू एड देम ऑल अप टू अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स देन इट बिकम्स अ सीरीज। सीरीज मतलब क्या हो गया, बस सिंपली जोड़ देना। तो अगर आपने सीक्वेंस को जोड़ा तो भी सीरीज बनेगी, अगर आपने प्रोग्रेशन को जोड़ा तो भी एक सीरीज ही बनेगी।
तो प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा देखते हैं। जैसे कि फिबोनाकी है ना, तो फिबोनाकी में क्या होता था, वन होता था, फिर वन होता था, फिर वन प्लस वन टू, फिर टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, एट प्लस फाइव थर्टीन, डैश डैश डैश, सबको जोड़ दिया तो सीरीज है, सबको जोड़ दिया तो सीरीज है, अगर जोड़ा नहीं है तो ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको फर्क समझ में आ गया होगा, है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बट किसी को पता नहीं होता ये चीज़ है ना, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती। तो सीरीज मतलब प्रोग्रेशन नहीं होता है सागर, ना ध्यान रखिए, सीरीज मतलब आप प्रोग्रेशन को ऐड कर दो या सीक्वेंस को ऐड कर दो, मैंने उल्टा बोल दिया होगा, माफ करना। हाँ, ये प्रोग्रेशन, ये नीचे वाला प्रोग्रेशन है, तो आपने प्रोग्रेशन को ऐड करा तो भी आपको सीरीज मिली, सीक्वेंस को भी ऐड कर दिया मतलब सारी टर्म्स को जोड़ दिया तो भी आपको सीरीज मिली। तो सीरीज मतलब जोड़ देना, बस खत्म। सीक्वेंस तो अपने को पता है, सीक्वेंस मतलब ऐसी चीज जो आपके घर की काम वाली भाई भी सॉल्व कर दे, मतलब उसमें ज्यादा मैथ्स ना लगे, थोड़ा दिमाग लगे बस। और प्रोग्रेशन मतलब कि हाँ, आपको पर्टिकुलर डेफिनेट मैथमेटिकल पैटर्न दिया जाएगा, है ना, अगर बनाना पॉसिबल है तो इट इज अ प्रोग्रेशन। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम लोग प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोग्रेशन। जैसे आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली रिक्वायर्स ब्रेन, उसमें दिमाग की जरूरत होती है, क्योंकि आप हवा में आंसर नहीं बता सकते, तो देयरफॉर इट इज अ प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर टर्म जो होती है उसके लिए आप एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे करी थी टी एन, है ना, या ए एन बोल दो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, तो लिखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये तो अपन ने क्लास टेंथ में पढ़ा है, थोड़ा सा और पढ़ना है अपने को, है ना। अच्छा, आप लोगों की मैंने बहुत ऑल्सो नोन एज, देर से आपके डाउट्स नहीं देखे थे। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपन लिखते हैं। लिखिए प्रोग्रेशन इन विच टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैव अ कॉन्स्टेंट, हैव अ कॉन्स्टेंट डिफरेंस। सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिखिए फर्स्ट कॉन्स्टेंट डिफरेंस, आगे लिखो denoted by small d। first term को अपन किससे denote करते हैं, first term is denoted by small a। सर मुझे कल homework करते हुए बहुत सारी doubts आया, बहुत सारी थ्री स्क्वेयर माइनस, अरे यार ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपने क्या लिखा है। ठीक है, बताता हूँ आपका डाउट भी मैं, है ना। तो देखिए भाई, जो फर्स्ट टर्म है उसको आप क्या लिखते हो, ए, है ना, फर्स्ट टर्म आपने लिखा है ए। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, आप उस ए पर डी को ऐड कर दो, है ना। अगर डी नेगेटिव हुआ तो नेचुरली यू आर सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर, तो डी कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हुआ तो यू आर एडिंग अ फिक्स क्वांटिटी, अगर नेगेटिव हुआ तो यू आर सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स क्वांटिटी। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो डिक्रीजिंग, रिड्यूसिंग या डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, और आपने ए प्लस थ्री डी लिख दिया तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो आपने क्या करा, इस पर डी ऐड कर दिया, फिर इस पर दोबारा डी ऐड कर दिया, फिर इस पर दोबारा डी ऐड कर दिया, तो आपके पास सारे टर्म्स आ गए, है ना। अच्छा, जो लास्ट वाला टर्म होता है वो क्या होता है वो हम देखेंगे अभी।
ये जो सीरीज होती है या ये जो सॉरी ये जो प्रोग्रेशन होता है इसको अपन कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब आप जो लिख रहे थे वो मैं देखता हूँ। अगर मेरे को उसमें nth टर्म चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो इधर है ना, प्लीज यहाँ पे देखिए ये वाली जो टर्म है इसको आप क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। तो इसको अपन ए1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेकेंड टर्म है इसको अपन ए2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये थर्ड टर्म इसको ए3 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये फोर्थ टर्म है इसको अपन ए4 से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्वेशन करा, दिमाग के घोड़े चलाए, तो यहाँ पे पता चला कि जब यहाँ पे 2 आया था तो यहाँ पे 1d आया, जब यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे 2 आया, समझ में आ रहा है, जब यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे 2d आया, यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे 3 बार d आया। तो मान लो अगर मैं a n लिखता तो आपके पास क्या बनता है, a प्लस n से एक कम, जैसे यहाँ 4 है तो 4 से एक कम 3d, यहाँ पे 3 है तो 3 से एक कम 2d, तो यहाँ पे n है तो n से एक कम क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, सही। तो ये जो चीज है आपकी वो ए एन है, nth टर्म। देयरफॉर जो आपका nth टर्म होगा, nth टर्म मतलब क्या होता है, nth टर्म मतलब होता है कि आप n की जगह कुछ भी रख दो, मान लो आपने 5 रख दिया तो 5th टर्म, 6 रख दिया तो 6th टर्म, 100 रख दिया तो 100th टर्म, तो nth टर्म दैट इज ए एन दैट इज गोइंग टू बी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सब पता है अपने को, तो ये तो कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, पढ़ चुके हम लोग, बट एक बार लिखना जरूरी है। लिखो यहां तक, फिर अपन देखते हैं सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाउ आर कमिंग टू द डाउट, आपने क्या लिखा है, जो सागर का डाउट है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, 3 स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2, इज इट होल 2 करा है या फिर ऐसा करा है आपने, उसमें थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रही समझने में। मान लो आपने ऐसा लिखा है या फिर ऐसा लिखा है, चलिए ब्रैकेट लगा देते हैं आपसे, दिस इज 1/√27 बराबर है या गलत है, ठीक है। 1/√27 तो क्या हो जाएगा, 9 × 3, 9 तो बाहर आ जाएगा 3 बन के, तो 3√3 बनाइए, 1/√3 लिखा है आपके सामने। आपने जो चीज लिखी है 3 की पावर में, नाउ आई एम गेटिंग योर पॉइंट, 3 की पावर में क्या, -3/2, राइट है। हाँ बिल्कुल सही है ना, आपका कहना बिल्कुल सही है, ये चीज तो समझ में आता है मेरे को। देखिए क्या लिखेंगे, -3/2 लिखा है ना, 3 की पावर में, तो 3 की पावर में -3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर में 3/2, ठीक है ना। पावर को अगर आपको पॉजिटिव करना है तो ये वाला नंबर जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये तो खैर बेसिक चीज है। फिर आप ध्यान से देखोगे अगर, तो ये जो 1/2 है, आपने ये पढ़ा होगा ना कि अगर ए टू द पावर में एक्स इंटू वाई लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर में एक्स होल टू द पावर में वाई, बिकॉज पावर्स पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज 1/3 टू द पावर, जैसे 3 × 1/2 लिख दो इसमें 3/2, तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, 1/3 × x × y लिखा है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, 2^3 टू द पावर हाफ, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप देखिए 1/3 का क्यूब हो जाएगा 1/27, और 1/27 का आपको 1/2 पावर लेना है, 1/2 पावर मतलब अंडर रूट हो गया। तो बेसिकली ये जस्ट नीड द अंडर रूट ऑफ 1/27, 1/27 का अंडर रूट मतलब 1/√27, और रूट 27 तो 3√3 होता है, ठीक है। तो ये 1/3√3 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो आपने जो चीज़ लिखी थी वो सही है। नाउ कमिंग बैक टू सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ओके, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी अपने को देखना है ना। तो एक काम करते हैं कि सारे टर्म्स, ए फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म क्या है बच्चों, ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस 2d, और
फोर्थ टर्म क्या है, ए प्लस थ्री डी, है ना। अच्छा लास्ट टर्म क्या आएगा इसका, अभी अभी अपन ने देखा कि ए प्लस एन माइनस वन टू डी। अच्छा ये जो है मेरे सामने जो चीज लिखी है, इज इट अ सीरीज और अ प्रोग्रेशन, दिस इज अ सीरीज। क्यों? क्योंकि आपने इसमें प्रोग्रेशन को ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, सीरीज बन गया, खत्म। पहले प्रोग्रेशन था, फिर ऐड करने के बाद सीरीज बन गया। बहुत बारीक सा अंतर है, आपको पता होना चाहिए बस, है ना। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इस सम को है ना प्यार से एस बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा रफ में एक चीज देखते हैं, अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ये कितना आएगा? मान लो ये कबूतर के बराबर आता है, के बराबर। तो अगर मैं इसको उल्टा जोड़ दूं, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो भी ये कबूतर के बराबर ही आएगा ना, क्योंकि आप उल्टा सीधा करने से जो सम है वो चेंज थोड़ी ना हो जाता है। फर्क समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वही चीज अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कि जो सबसे लास्ट टर्म है ना उसको मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जो सेकेंड लास्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस वन से भी एक माइनस वन कर दो, तो ए प्लस एन माइनस टू, ए प्लस एन माइनस टू डी, और ये आ जाएगा ए प्लस एन माइनस थ्री डी। अच्छा और जो फर्स्ट टर्म है वो अब लास्ट में आ जाएगा, उल्टा करोगे तो ऐसे ही होगा ना यार, लास्ट वाला पहले आ जाएगा, पहला वाला लास्ट में आ जाएगा, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ए एन। अच्छा ये जो सम लिखा है अपने सामने ये भी एस होगा, समझ में आ रहा है आपको, ये भी एस होगा, क्योंकि ये उल्टा सीधा जोड़ने से आपका जो सम है वो सेम रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा। अच्छा दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, लेट मी जस्ट ऐड बोथ द इक्वेशंस, तो दोनों को एस और एस, एलएचएस एलएचएस को ऐड कर देंगे, 2s आ जाएगा, और आरएचएस में टर्म बाय टर्म, है ना, टर्म बाय टर्म अपन ऐड कर देते, जैसे कि फर्स्ट टर्म इंटू प्लस, सॉरी फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अगर आप करोगे, फिर सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म आप करोगे, थर्ड टर्म प्लस थर्ड टर्म आप करोगे, फोर्थ टर्म और फोर्थ टर्म को आप ऐड करोगे, तो देखिए क्या बनता है, ये देखिए इनको ऐड कर दो, a प्लस एन माइनस वन डी, क्या आ जाएगा, a प्लस ए टू ए आ जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इन दोनों को ऐड करो, a और a, ये दोनों तो 2a दे देंगे आपको, है ना। अच्छा ये d और n माइनस टू डी, डी डी कॉमन आ जाएगा, फील करो फील करो, मैं लिखने नहीं जा रहा पूरा, फिर आपको डाउट आएगा, चलो लिख देता हूँ यार, ये लिख देता हूँ उसके बाद वाला, डी प्लस एन माइनस टू इंटू डी, यहाँ से डी कॉमन ले लो तो वन प्लस एन माइनस टू इंटू होल डी कॉमन ले लिया, तो एन प्लस सॉरी एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा, तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा थर्ड टर्म देखते, ए प्लस ए टू ए और टू डी, डी डी को भूल जाओ, टू प्लस एन माइनस थ्री कितना आ जाएगा, अगेन एन माइनस वन, तो n माइनस वन इंटू डी तो कॉमन जा रहा है। अच्छा अब अपन समझ गए, चल कह रहा है एक्चुअली हर बार आपको यही मिलेगा, हर बार कितने बार मिलेगा, कितने बार मिलेगा, जितने टर्म्स है भाई, सिंपल सी बात है, जितने टर्म्स है उतने बार आपको यही चीज बार बार मिलती जाएगी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सही है क्या। अच्छा कितने टर्म्स है टोटल, n टर्म्स है, दिस इज फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म और ये nth टर्म है, तो वी हैव टोटल ऑफ टोटल नंबर ऑफ n टर्म्स, हमारे पास टोटल n टर्म्स है। अच्छा ये जो चीज है ये रमेश है, ये भी रमेश है, ये भी रमेश है और ये भी रमेश है, अगर आप रमेश प्लस रमेश करते हो तो टू टाइम्स रमेश आता है, तीन बार रमेश को जोड़ोगे तो थ्री रमेश आएगा, थ्री आर, चार बार जोड़ोगे तो फोर आर आएगा, एन बार जोड़ोगे तो एन एन आर आएगा, समझ में आ रहा है आपको। तो आपका आंसर यहां से आर एच एस जो है वो क्या आ जाएगा, एन टाइम्स रमेश, रमेश था क्या, ये टू ए प्लस एन माइनस वन डी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बात समझ में आ रही है पक्का, ये 2s के बराबर है। अब देखो 2s चाहिए था या s चाहिए था, हमको तो सम चाहिए था, और सम क्या था, सम वाज s, s यहां से आप आराम से निकाल दोगे, 2 को नीचे बुला लो, तो ये आ जाएगा n by 2 into the formula that we already have studied in class 10th or maybe in class 9 foundation as well, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अच्छा इसको अपन ऑल्सो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हो एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन डी, इसको आप अगर ब्रेक करोगे तो a प्लस
एल आ जाएगा, एल मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट फिर भी मैं बता देता हूँ हुआ क्या है यहाँ पे। देखिए बिहाइंड द सीन्स हुआ क्या है, ये जो 2a प्लस एन माइनस वन डी है, ये रफ लिख रहा हूँ मैं ना, रफ को एक काम करते हैं अपन, ये ब्लू जैसा जो कलर है इससे लिखते हैं। तो ये क्या है कि n बाई टू तो यहाँ पे लिखा हुआ है, 2a को मैं क्या ब्रेक कर सकता हूँ, a प्लस ए है ना, और n माइनस वन डी को ऐसे ही रहने दो, n माइनस वन डी को आप ऐसे ही रहने दो। अच्छा ये जो a प्लस एन माइनस वन डी है, ये ए एन है, nth टर्म है ना भाई सब, ये तो मतलब ये nth टर्म है, nth टर्म मतलब ये लास्ट टर्म बोल दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है भाई। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन, तो nth टर्म क्या हो गया लास्ट टर्म, तो यहाँ पे मैंने लास्ट टर्म की जगह एल लिख दिया है, ठीक है, और एल ऐसा लिख दो। तो ये सारे फॉर्मूले तो अपने को पता थे, डेरिवेशन थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए ना, डेरिवेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले 1/2 लेंगे तो आंसर अब नहीं आएगा, अलग नहीं आएगा। आंसर हमेशा सेम आएगा भाई, मैथ चल रहा है ना। ठीक है, इसको लिख लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन करें बच्चों वाले पक्का लिखिए। इफ द सिक्स्थ इफ द सिक्स्थ एंड 12th टर्म ऑफ एन ईपी, 12th टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 32 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द 20th टर्म। सर ये डेरिवेशन ध्यान में रखना जरूरी है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं? हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला तो याद रखना ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला जरूर याद रखो आप, बट डेरिवेशन को भी याद रखो प्लीज, है ना, क्योंकि डेरिवेशन काम आता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, डेरिवेशन आपको काम आएगा, पता होना चाहिए कि ये उल्टा कैसे आया। अरे यार देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि बोलचाल की भाषा में याद रहना चाहिए। आपसे कोई पूछ ले कि सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ सीरीज कैसे आया, तो आप बोल देना एक बार सीधा जोड़ दो, एक बार उल्टा जोड़ दो, और फिर दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा। कितना टाइम लगा याद रखने में, ज्यादा थोड़ी नहीं लगा। और अपने को पैटर्न पता होना चाहिए कि ये चीज अपन करेंगे बाद में, बहुत करेंगे यूज इसको, सीधी चीज मतलब आपने उसको सीधा ऐड कर दिया, फिर उल्टा ऐड कर दिया, टोटली जोड़ दिया, तो ये चीज जो है बहुत अप्लाई होता है आगे जाके, इसलिए मैंने वरना मैं आपको डेरिवेशन स्किप करा देता, 10th क्लास में आपको स्किप करा दिया गया होगा, है ना, ऑल्दो पता होना चाहिए। चलिए तो फाइंड द 20th टर्म, आप 20th टर्म फाइंड कर सकते हैं क्या, इसका आराम से निकाल सकते हैं ना, आपको 6th टर्म दे रखा है, 6th टर्म को आप क्या लिख दोगे, a6, a6 क्या होता है, a प्लस 5d, और ये आपको दे रखा है 17 के बराबर, एंड देन यू हैव बीन गिवन 12th टर्म, दैट इज a प्लस 11d, दिस इज 32, है ना। तो आपको a और d जो है दो अननोन है और दो इक्वेशन एंड दो अननोन, बस आराम से सॉल्व हो जाएगा। जितने अननोन है उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात है, जितने अननोन है उतनी इक्वेशन होनी चाहिए बस, उससे कम होगी तो नहीं निकाल पाओगे आप। तो दो अननोन दो इक्वेशन, क्या करें दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते ताकि a और a उड़ जाए एकदम, 5 - 11 - 6d और 17 - 32 इज गोइंग टू बी 15 आएगा। एक्चुअल में -15 से दिक्कत नहीं, मुझे लगा कि 6 का मल्टीपल आएगा और जिंदगी बड़ी हसीन रहेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। अच्छा इधर होना चाहिए था वो चीज़ है ना, आपको क्या बोला 6th टर्म a प्लस 5d और आपको 12th टर्म बोला है, सॉरी इसको 11th टर्म कर लो, है ना, इसको प्लीज 11th टर्म कर लो, तो 10 - 5 - 5d हो जाएगा,
तो डी आपका आ जाएगा यहाँ से 3, मतलब 12 भी रहने देते तो आपका आंसर थोड़ा खूबसूरत नहीं आता, बस ये था। और मैंने गलत क्वेश्चन कॉपी कर लिया था, जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ पे 11th लिखा हुआ है, तो डिफरेंस आ गया अपने पास, डिफरेंस को उठा के यहाँ पे ठोक दो तो आपके पास ए आ जाएगा, ए आ गया, डी आ गया, 20th टर्म आपने आराम से निकला है। तो यहाँ पे डिफरेंस को डाल दो, आप कोई भी इक्वेशन में डाल दो, है ना, मैं फर्स्ट में डाल देता हूँ, थोड़ी ईजी है ना फर्स्ट की इक्वेशन, छोटे नंबर से। तो ए प्लस 5 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 17, तो ए इज इक्वल टू 17 माइनस 15, दैट इज 2, ए आ गया 2। अब ए 20 निकालना है आपको, 20th टर्म कितना आ जाएगा, ए प्लस 19 इंटू डी, तो ए कितना हो गया 2 और 19 इंटू डी हो गया 3, 19 3 से कितना होता है 57, तो 2 प्लस 57 विल बी 59, तो ए 20 आ गया आपके पास 59, क्लियर, लिखो यहां तक। एक और आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 45, सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज इक्वल टू 400, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालने हैं, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है बच्चों, जितने टर्म्स हैं उतना डिवाइडेड बाय 2 इनटू, आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दे रखा है तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, और टोटल टर्म्स का जो सम दे रखा है 400 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ये नहीं पता आपने को, एन बाई टू, ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म कितना है 5, लास्ट टर्म कितना है 45, तो ये आ जाएगा 50 इंटू एन बाई टू, दिस इज इक्वल टू 400, ठीक है, तो ये आ जाएगा 25, और n आ जाएगा आपके पास कितना 400 डिवाइडेड बाय 25, इसको डिवाइड कर दो, 25 तो n आ जाएगा यहाँ से 16, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास कितने 16, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, तो अभी अपन सिर्फ थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं, वार्म अप करना जरूरी है, एफ 11th टर्म, देन 20th टर्म्स, हाँ ठीक है। थोड़ा और वार्म अप हो जाए ना, वार्म अप कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। देखिए फोर्थ टर्म आपको एपी का दे रहा हूं मैं, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 21, ओके देखिए सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 5, थोड़ा सा क्वेश्चन में तब्दीली, नाइन्थ टर्म जो है दैट इज 25, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, इजी, काफी इजी, थोड़ा सा हमको फॉर्मूला की आदत लग जाएगी।
सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म, एस टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बाई टू इन टू फर्स्ट टर्म प्लस टेंथ टर्म, है ना। तो फर्स्ट टर्म प्लस टेंथ टर्म आपको पता होना चाहिए, अब टेंथ टर्म तो अपने को पता नहीं है। देखते हैं हमको क्या क्या पता है। सेकेंड टर्म हमको पता है 5, तो ए टू कितना है 5, और नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 25, नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज गिवन एज 25। सेकेंड टर्म क्या बोल देंगे अपन, ए प्लस डी, और नाइन्थ टर्म को क्या बोल देंगे, ए प्लस 8 डी। तो यहाँ से बड़ी आसानी से अपने पास ए और डी दोनों आ जाएंगे, सही। अच्छा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि ए और एस एलिमिनेट हो जाए ना, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। 5 - 25 बनेगा -20 एंड डी माइनस डी 8 डी दैट विल बी -7 डी। ओके तो ये डी और डी कट जाएगा, आपको डी दे रखा है यहाँ पे 20/7, कॉमन डिफरेंस आ गया अपने पास, तो ए भी आ जाएगा ना। पुट डी इन एनी ऑफ द इक्वेशंस, में फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो 5 इज इक्वल टू ए प्लस 20/7, ठीक है। तो ए आ जाएगा यहाँ से आपके पास 5 - 20/7, दैट इज 7 - 35, 35 - 20 विल बी 15/7, ये आ गया 15/7। अब आपको क्या निकालना है, आपको सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है, तो 10 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, 10/2 इन टू 2a, 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1, मतलब 10 - 1 टर्म्स, जितने कितने टर्म्स अपने पास, 10 ही तो है, तो 10 - 1 इन टू कॉमन डिफरेंस दैट इज 20/7। ओके तो 10/2 इन टू कितना आ जाएगा, 15 - 2 - 30, 30/7 प्लस 9 × 20, 9 × 2 = 18 होता है, 180 आ जाएगा, 180/7। दिस इज योर एस टेन, अभी आराम से आ जाएगा ना, 5 × 210/7, 7 × 3 = 21, 0, 5 × 3 = 15, 150 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो एस टेन आ गया आपके पास 150। सागर 150 आएगा ना, 222 नहीं आएगा, यशवर्धन का सही आया, अमर का सही आया, ठीक है। लास्ट वाला 16 जो था आप लोगों का, मैक्सिमम लोगों का सही था। आज अपने को बस यही करना है, थोड़ा सा वार्म अप करना है, हल्का सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते लिखे। इफ टीपी इज इक्वल टू क्यू एंड TQ is equal to P, find the rth term, एक मिनट रुकिए, फाइंड कुछ ना कुछ तो इसमें मिसिंग लग रहा है आपको, नहीं ठीक है ठीक है, फाइंड द आर एथ टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं ना आपको, पी एथ टर्म दे रखा है क्यू के बराबर है, क्यू एथ टर्म दे रखा है पी के बराबर है ना। तो ये तो आपका खैर, आप आराम से होमवर्क करिए इसको, आसान क्वेश्चन है, लिखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टू रिमेंबर, कुछ चीजें आपको याद रहनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहली चीज, आपको अगर बोला जाए कि सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers, पहले n natural numbers का सम अगर निकालना, तो 1 + 2 + 3 till n ये निकालना है आपको, तो वो क्या आता है n into n + 1/2, मुझ पर भरोसा नहीं है, चेक कर लो कैसे करेंगे। टोटल टर्म्स कितने हैं, n
एन बाई टू नंबर ऑफ टर्म्स बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, आगे ना एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। रटा होना चाहिए आपको, अगर आपको कोई बोल दे कि वन से लेकर हंड्रेड तक का सम क्या आएगा, तुरंत यहां पे पुट करो, तुरंत यहां पे पुट करो। अच्छा लिख लो यहां पे सम ऑफ फर्स्ट हंड्रेड नेचुरल नंबर्स, बहुत ब्यूटीफुल नंबर होता है इस कारण मैं लिखवा रहा हूं 5050। ओके करके देख लो आप, यहां पे रखो 100, यहां पे रखो 100 प्लस 1 दैट इज 101 डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड टर्म की जगह सर आज ऐसा लगा कि आप जोक करके चले गए, अर्थात आज का लेक्चर बहुत लाइट था। ठीक है वो ज़रूरी है ना, अपन ने मैंने जानबूझ के आज का लेक्चर लाइट रखा है और फर्स्ट लेक्चर लाइट होता भी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग प्लीज मॉड्यूल सॉल्व करो, है ना, प्लीज 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 मॉड्यूल आप लोग सॉल्व करिए। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स ये हो जाता है एन स्क्वायर, करके देखो। पहले एन ऑड नेचुरल नंबर्स का सम आपको चाहिए अगर, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। मतलब ऑड नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया, वन इज ऑड, थ्री इज ऑड, फाइव, सेवन, नाइन, इलेवन, ठीक है। और nth टर्म क्या हो जाएगा इसका, वी डोंट नो, वट एवर इट बी an, इसको आप ऐड करके यहाँ पे रखो तो आपके पास n स्क्वायर आएगा। मुझ पर भरोसा नहीं है अगर, तो देखिए n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होता है n बाई टू इंटू टू ए, टू ए मतलब टू इंटू वन, ए तो वन है ना, प्लस n माइनस वन इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा ऑड नंबर्स में, ऑड नंबर्स में कॉमन डिफरेंस हमेशा टू का आएगा। ओके तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू प्लस टू एन माइनस टू, डिशन क्या आ गया, टू एन इंटू एन बाई टू, ठीक है, डिशकैम डिशकैम ये आ जाएगा एन स्क्वायर। याद रख लो, अगर आपको कोई बोलता है क्या कि पहले हंड्रेड ऑड नंबर्स का सम बताओ, तो आप उसके मुंह पे फेंक के मारना, ये ले हंड्रेड स्क्वायर, समझ में आ रहा है, क्योंकि कितने टर्म्स है। अगर आपको कोई बोले कि फर्स्ट 17 ऑड नंबर्स का सम क्या होता है, ये ले भाई 17 स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं दिल की तसल्ली के लिए बता देता हूँ बस। तो इवन के लिए भी कुछ होगा, हाँ है, इसको लिख के अपन खत्म करते लेक्चर आज। आप जो है सब्जेक्ट आज जो अपन ने जो पढ़ा है उसके हिसाब से तो आपके लिए रेस्ट डे होगा, लेकिन आपको क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने क्वाड्रेटिक के। तो इवन का क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स ये हो जाता है एन इंटू एन प्लस वन। आप तो भरोसा हो गया होगा ना मुझ पर, इसको कर लो आप, एन इंटू एन प्लस वन आ जाएगा। ओके चलिए बहुत बढ़िया, तो एक क्वेश्चन है, चलो क्विज में डालूंगा मैं, यहाँ नहीं देता हूँ, टाइम भी हो गया वैसे। कल मिलते हैं अपन, है ना, ख्याल रखिए अपना और होमवर्क कर लो। होमवर्क मैंने आपको लिख के दिया था मॉड्यूल में, 101 से 130 तक के डाउट्स मैं कल डिस्कस करूंगा, प्लीज सॉल्व देम। इफ यू हैव सॉल्व देम देन जस्ट रिवाइज योर डाउट्स, हम लोग कल उसको डिस्कस करेंगे जो छोटे मोटे आपके डाउट्स होंगे उसको, है ना, फिर अपन मॉड्यूल जो है परसों तक खत्म कर देंगे। फिर सिंगेज अपने को खत्म करना है, अच्छे से ईमानदारी से खत्म करना है, सिलेक्शन होगा ही होगा अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो। डिफिकल्ट लगता है तो भी करते रहो। ओके तो नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं अपन, बाय बाय।